बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तहसीन डेली कुकिंग ब्लॉग्स। आज हम बहुत ही शानदार किस्म की सब्ज़ी बना के तैयार करेंगे, जिसमें हम बनाएंगे अरबी और बैंगन। अरबी और बैंगन का सालन किस तरीके से बनाया जाता है और इन दोनों सब्जियों की कटिंग का तरीका मैं आपको सारा बताऊँगी कि किस तरीके से आपने अरबी को काटना है और किस तरीके से हम बैंगन की कटिंग करेंगे। बैंगन काटने के बाद काले पड़ जाते हैं, तो उनको हम किस तरीके से बचा सकते हैं, सब टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है और जिस तरीके से मैं वेजिटेबल्स की कटिंग कर रही हूं और इनको बना रही हूं, आपने सेम इस तरीके से बनाना है, तो आपके अरबी और बैंगन बहुत ही शानदार किस्म के बन के तैयार होंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही शानदार किस्म के अरबी और बैंगन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, जो कि बिल्कुल फ्री है। अरबी बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले हम बैंगन की कटिंग करेंगे, जिसमें इसकी एक साइड को रिमूव करने के बाद इस तरीके से इसको कट्स लगा के रख लेंगे। और फिर इसके बाद जो बैंगन है, इसकी सारी स्किन को हमने इस तरीके से पील ऑफ कर लेना है, सारा इसका जो छिलका है इसको हमने उतार देना है। और फिर बैंगन की जो कटिंग है वो हमने इस तरीके से करनी है। इस तरीके से इसके पीसेस करने के बाद इसको स्ट्रिप्स की कटिंग में हम काट लेंगे और जब फुल कटिंग इसकी कर लेंगे तो फिर इसको हमने पानी में डाल देना है ताकि बैंगन जो है ये काला ना पड़े। अब बैंगन को पानी में डालने के बाद इसको एक साइड पर रखेंगे। तो अब हम करेंगे अरबी की कटिंग। अरबी के मैंने 7 पीसेस लिए हैं और इतने साइज़ के मैंने ये पीसेस जो है इनको कट करना है। तो अब इसके सबसे पहले हम जो स्किन है इसको रिमूव करेंगे, तो इसकी स्किन को हमने कटिंग नहीं करनी, इस तरीके से आपने नाइफ़ की मदद से इसको झरीटना है और इसकी जितनी ये स्किन है इसको हमने रिमूव कर देना है। जब अरबी की स्किन को रिमूव कर लेंगे तो फिर इसके बाद इसकी हमने कटिंग करनी है, तो इसको हमने 2 पीसेस में डिवाइड कर देना है, एक एक अरबी के पीस को इस तरीके से इसको हाफ करेंगे। और इन पीसेस को काटने के बाद आपने इनको एक बाउल में डाल देना है और बाउल में डालने के बाद इसमें हम नमक डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक का डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके साइड पे रख देंगे और फिर जब इसको हमने पकाना होगा तो उससे पहले इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिसके लिए मैंने लिया एक पैन और इसमें ऑयल डालेंगे, 1/2 कप ऑयल का मैं डाल रही हूँ। ऑयल जैसे थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें 1 टीस्पून मैंने डाला है सफ़ेद ज़ीरा और हींग डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून के करीब। ये डाल के इन दोनों चीज़ों को हल्का सा हम फ्राई करेंगे ताकि शानदार सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। अब जैसे ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी फ्राई होंगी तो इसमें हम डाल देंगे प्याज, जो मैंने एक लार्ज साइज़ का प्याज लिया था, स्मॉल पीसेस में कट करके ये इसमें डाल दिया है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हल्का सा हमने इसको क्रैकल करना है ताकि प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें लहसुन अदरक के क्यूब डाल देंगे जो 1 टेबल स्पून के करीब है ये, और फिर इसमें लार्ज साइज़ का टमाटर भी डाल देंगे जो स्मॉल पीसेस में काट के डालना है। ये दोनों चीज़ें डाल के इनको भी हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, साबुत ही 3 मैंने डाल दी है ये डाल के, तो इनको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। अब इनको थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। इसमें 1 टीस्पून डालेंगे नमक का, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे और साथ ही इसमें 4 लौंग डाल देंगे। ये सब चीज़ें डाल के तो इस मसाले को हमने भूनना शुरू कर देना है। 2-3 मिनट मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे और फिर इसमें हमने डाल देने हैं बैंगन जो हमने पानी में भिगो के रखे थे, ये बैंगन इसमें डालना शुरू कर देंगे। अब जब बैंगन इसमें डाल देंगे तो फिर इन बैंगनों को हमने मसाले में अच्छे तरीके से पहले मिक्स करना है और जब मिक्स कर लेंगे तो फिर इसको कवर कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है वो नीचे लगे ना। वैसे तो बैंगन अपना पानी खुद बहुत छोड़ते हैं, इसी में पक्के तैयार होंगे। तो अब हम इसमें मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी, तो मैं इसमें 1/2 कप के करीब डाल रही हूँ। और पानी डालने के बाद इसको हमने कवर कर देना है ताकि बैंगन हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। आफ्टर 5-7 मिनट्स बैंगन चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बैंगन काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं और इनको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और बैंगन हमारे सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो इनमें अब हम अरबी डाल देंगे, इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था ये डाल के, तो इसको भी हम इसमें मिक्स करेंगे और अब अरबी जो है ये बैंगन के साथ पकेगी और इसी में ये पक के सॉफ्ट हो जाएगी। पानी हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करना और इसको आपने मीडियम टू लो हीट पर इस तरह कवर करके रख देना है। अब 5-7 मिनट्स पकने के बाद इसको हम चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अरबी और बैंगन बहुत अच्छे तरीके से पक रहे हैं, बैंगनों ने अपना काफ़ी पानी छोड़ दिया है और इसी में जो अरबी है ये पक के तैयार हो रही है। तो अब इसको हमने भूनना शुरू कर देना है और जैसे जैसे इसको हम भूनेंगे इसमें हमने कुछ चीज़ें और ऐड करनी है जिससे इसका शानदार टेस्ट बन के तैयार होगा। तो इसमें मैंने राई दाना डाला है खटास के लिए 1 टीस्पून
और मेथी दाना इसमें हाफ टी स्पून डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे सौंफ 1 टीस्पून। ये सब अचारी मसाले डाल के तो इसको हम मिक्स करेंगे, तो इसमें बहुत ही शानदार एक अचारी टेस्ट आएगा। अब इसको हमने इसी तरीके से भूनते जाना है, साथ साथ पकाते जाना है, और इसमें जितना पानी इसको हमने ड्राई करना है, तो इसी तरीके से हम इसको भूनते जाएंगे। अब अरबी बैंगन हमारे बहुत अच्छे तरीके से पक रहे हैं, तो इसमें हम कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। सफ़ेद तिल मैंने डाले हैं 1 टीस्पून, और इसमें मैंने डाला है गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून। साथ ही इसमें मैंने हैंडफुल ग्रीन कोरिएंडर डाल दिया जो फ्रोज़न है मेरे पास, ये डाल के तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और अब इसका जो ऑयल है ये सेपरेट होना शुरू हो गया है, इसको हम इस तरीके से 1-2 मिनट और भूनेंगे। तो फिर इसमें हमने एक शानदार से टेस्ट के लिए ऐड करनी है एक चीज़ जो इसको बहुत ही शानदार जायका देगी, जिसके लिए हम इसमें डाल रहे हैं बटर 2 टेबल स्पून के करीब। ये डाल के इसको भी मिक्स करेंगे, और बिल्कुल लास्ट पे इसमें हमने लेमन निचोड़ देना है जो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब। ये डाल के तो इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हमने कवर कर देना है, हीट को कर देना ऑफ़, ताकि इसका जो ऑयल है घी है ये सेपरेट हो जाए। तो फिर मैं आपको इसे डिश ऑफ करके दिखाती हूँ। अब आप चेक कर सकते हैं कि अरबी भी हमारी बहुत सॉफ्ट हो गई है, बड़े अच्छे तरीके से गल गई है। तो इस तरह की आपने अरबी गला के तैयार करनी है। अरबी बैंगन हमारे बन के तैयार हो गए हैं, तो आप इसकी लुक देखें कितने शानदार ये देखने में लग रहे हैं, और खुशबू इसकी बहुत ही शानदार आ रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी थे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।